शिवाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद नाचो गाओ भक्त संग कर संकीर्तन नाचो गाओ भक्त संग कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्व जाना कृष्ण नाम उपदेश तार सर्व जाना नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तना नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तना कृष्ण नाम उपदेश कर सर्व जाना कृष्ण नाम उपदेश कर सर्व जाना हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसा लग रहा है कैंप? कितने लोग चाहते हैं कैंप खत्म ना हो? ठीक है, नहीं करेंगे खत्म। अनलिमिटेड। कल ने बताया था ना, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है बस। ये आपके जो पिछले कुछ घंटे बीते हैं, इसी को पूरा जीवन ऐसे बीत जाए। कैसा लगता है आपको अगर पूरा जीवन ऐसे ही हो जाए कैंप में? संभव है कि नहीं है? संभव, संभव है, पूरा संभव है। यही है, क्या करना है? नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तना कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्व जाना पूरा। ये हमारे मूवमेंट का मिशन स्टेटमेंट है। हमेशा हम भी आनंद में रहें, दूसरों को भी आनंद में रखें। पूरा जीवन हमारा कैंप है। कैसे? नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। भक्तों के संग में क्या करो? नाचो और गाओ, संकीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और फिर क्या करना है? कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। इस कृष्ण नाम के उपदेश को फैला दो सब जगह। तार सर्वजन, सबका उद्धार करो। कितना अच्छा होगा। आप यहाँ अभी 70-80 लोग हैं, नाच रहे हैं। अगर 700-800 लड़की होती तो, 7,000 होते तो, 7,00,000 होते तो, सबको नचाना है। क्यों? सब बहुत दुखी है, परेशान है, हर कोई आनंद की खोज में है। पता नहीं आनंद कैसे मिलेगा। बेचारे तरह तरह के सब तरीके अपना रहे हैं। हमें मालूम चल गया किसमें आनंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इसमें आनंद है ना, इसमें आनंद है। तो क्यों ना हम खुद हमेशा नाचें और दूसरों को नचाएं। ये हरि नाम दें,
इसको क्या कहते हैं? प्रचार। और यही हमारे जीवन का सार है ना। सार का मतलब क्या होता है? निचोड़, यानी कि उसके बिना सब बेकार है। पानी का सार क्या है? तरलता है। पानी का सार है उसका रस, है ना। शरीर का सार क्या है? आत्मा। तो आत्मा निकल जाएगी, शरीर को कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे जीवन से अगर प्रचार चला गया तो कोई वैल्यू नहीं है। इस पूरे हमारे जीवन का सार क्या है? प्रचार। इसलिए भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज कहते थे, जो प्रचार नहीं कर रहा वो मृत है ना। और जो जिसके अंदर प्राण है, जो जीवित है, उसका लक्षण क्या है? वो प्रचार करेगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये क्या बात है? जबरदस्ती की बात है तो? क्या बात है? मैं नहीं करना चाहता प्रचार, मैं नहीं करूंगा। बोला बोले जो जिसके अंदर प्राण है, जो लिविंग सिम्टम्स हैं। हम लिविंग सिम्टम्स किसको मानते हैं? बोलता है, चलता है, हंसता है, ये तो डेड है, इसको जो मर्जी कर लो ना, जिसको मारो उसको लगे क्यों मार रहे हो भाई, कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो लिविंग है। नहीं नहीं, वो लिविंग नहीं है। जो प्रचार कर रहा है वो लिविंग है, जो प्रचार नहीं कर रहा इज डेड, चलती फिरती वो लाश है। तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने, बताओ ऐसा क्यों बोला? आप सब इंटेलिजेंट हो, सोचो, कोई कारण तो होगा ऐसा बोलने का। बोलो बोलो। हाँ, क्योंकि क्योंकि ये जो प्रचार है, प्रचार का कार्य है, ये हमें परोपकार करना सिखाता है, जीवों के प्रति परोपकार करना। और अगर हम अपना उपकार करेंगे तो वो स्पार्ट होएगा, है ना, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करना। और अगर हम दूसरे जीवों के बारे में सोचेंगे, उनके ऊपर दया करेंगे, तो वो असली प्रचार होएगा। तो मैं नहीं करना चाहता परोपकार जबरदस्ती, क्या मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, ना मुझे ना किसी से कुछ चाहिए, ना मैं किसी को लूंगा ना दूंगा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो भैया, बस हमें खुद आनंद मिलेगा। यस, हम सब क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद, और आनंद मिलेगा। वेरी गुड, एक पॉइंट अच्छा है। और किसी ना किसी चीज का तो प्रचार कर ही रहे हैं। आप देखा नहीं, बस में घुसते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, केवल प्रचार के लिए कह रहे हैं, 10 रुपए में 5 पेन, 10 रुपए में 5 पेन, 10 सुना ना आपने, केवल प्रचार के लिए कीमत कम ली जा रही है, लीजिए लीजिए लीजिए, है ना। वो 10 रुपए में पूरा किट दे देते हैं, उसमें पेचकस भी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, कुछ भी देते हैं, बड़े प्रचार के लिए, केवल प्रचार के लिए, कंपनी के प्रचार के लिए कर रहे हैं। तो उनका पॉइंट अच्छा है, हर कोई कुछ ना कुछ तो प्रचार कर ही रहा है। वास्तव में संसार की सृष्टि की रचना इसलिए की गई कि हम खुद प्रचार प्रचार करें और जीवन के लक्ष्य को जाने। कौन बात कर रहा है फोन पे? कौन प्रचार कर रहा है कहाँ पे? यस, सो संसार में सृष्टि की रचना क्यों की गई? भगवान ने, भगवान ने सृष्टि की रचना इसीलिए की गई कि हम लोग यहाँ पे आके मनुष्य जीवन जब पाते हैं, जीवन के लक्ष्य को समझे। हरी हरी विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। कि अरे भगवान, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मनुष्य जीवन आपने मुझे दिया, मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानते हुए मैंने क्या कर लिया? विष खा लिया। गोलो कह रहे प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, और आपने स्पेशल अपने धाम से हरि नाम संकीर्तन भेजा और मेरी इसमें कोई रति भी उत्पन्न नहीं हो पाई। आप जो स्वयं बजेंद्र नंदन सूता सही, सच्ची सच्ची नंदन हैला सही, आप जो कृष्ण थे, बजेंद्र नंदन थे, वही अब गौरांग महाप्रभु बन गए, बलराम हैले नेताई और बलराम जी नित्यान प्रभु बन के आए, और आपने मिलके क्या कर दिया? जगाई मधाई का उद्धार कर दिया। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि बस अपने चरणों में रखिए हमेशा, और मैं हमेशा आपका भजन करता रहूं। तो सृष्टि की रचना भी भगवान ने इसीलिए की, इस बहुत की सृष्टि की, कि हम उनके भक्ति करके भगवत धाम वापिस जा सकें, अकेले नहीं सबको लेके जा सकें। इसीलिए प्रचार ही सार है, इस पूरी सृष्टि का उद्देश्य ही यही है कि हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम वापिस जाएं, और इसको समझ के इसका प्रचार करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। इस संसार में हर व्यक्ति आनंद खोज रहा है, है ना। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को दीक्षा दी और उनका नाम रखा भवानंद। तो उन्होंने सोचा, भवानंद इंग्लिश में भावानंद उन्होंने सोचा,
कि जब हम भाव पे पहुंच जाएंगे तो जो आनंद आएगा वो होगा। तो बोले प्रभुपाद मेरा नाम भावानंद है। प्रभुपाद नहीं भावानंद नहीं भवानंद। बोले भवानंद क्या होता है? भव का मतलब जानते हैं आप? भव का मतलब है बार बार जन्म और मृत्यु का इस संसार, इस संसार को भव सागर कहते हैं, है ना। ये भव है, बार बार रिपीट होना जन्म मृत्यु। तो ये तो दुखाले है, आपने बोला था संसार तो दुखाले है। बोले भवानंद इस संसार का आनंद। प्रभुपाद बोले इस संसार में खाली एक ही आनंद है, वो है प्रीचिंग का आनंद। इसलिए तुम्हारा नाम क्या रखा गया? भवानंद। क्योंकि ये प्रीचिंग का आनंद जो है ना आध्यात्मिक जगत में नहीं मिलेगा, वहाँ किसको प्रचार करो? वहाँ कोई प्रचार है नहीं, वहाँ तो सब भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं। तो प्रीचिंग खाली, प्रीचिंग करने की जो फैसिलिटी है, सुविधा है, खाली इस भौतिक जगत में ही है। और इसमें जो आनंद है, ये जो आनंद है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस भावानंद का पूरा लाभ उठाना चाहिए, है ना। प्रचार, प्रचार का अर्थ है कि जो आपको अच्छा लगा आप दूसरों को बताएंगे, है ना। प्रचार मतलब डकार लेना, है ना। मूली के परांठे खाएं कभी आपने? तो जब मूली के परांठे खाते हैं तो मूली की स्मेल आती है। जो आपका इनपुट है वही आउटपुट होगा। तो जो आपको अच्छा लगा वो दूसरों से शेयर करना ही चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? आप जाते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, आपको कोई मूवी अच्छी लगी तो आप बोलेंगे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जाओ देखो, है ना। और इस संसार के प्रचार में तो धोखा भी होता है। धोखा होता नहीं होता, ये सारे एडवर्टाइजमेंट प्रचार ही तो है। बहुत बड़ा धोखा है कि नहीं, है ना। भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज एक कथा सुनाया करते थे कि एक बार ये गाँव में एक सर्कस आई, उसने बड़ा प्रोपागेंडा किया, यूनिक सर्कस, बहुत ही यूनिक सर्कस है, ऐसी सर्कस आपने कभी देखी नहीं होगी। उसमें क्या है, उस समय में ऐसा था केवल दो आने दो, बस दो आने दो, आपको सर्कस दिखाई जाएगी और अकेला आपके लिए शो होगा बस, और किसी के लिए शो नहीं होगा। अच्छा, लाइन लग गई सुबह सुबह 3 बजे से लाइन में लग लोग खड़े हो गए, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, दो दो पैसे दो, अलग पूरा स्टेडियम है और वहाँ पे अकेले आपके लिए सर्कस का शो होगा। फिर नेक्स्ट व्यक्ति आए, अच्छी बात है। तो सबसे पहला व्यक्ति खड़ा था, सबसे पहला नंबर मेरा, सुबह सुबह आ गया, तो यूनिक सर्कस है। और उसको लेकर गए, अंदर से आते हैं पालकी में बैठा के, चामर करते उसको ले जाते हैं, बड़े क्या बात है, रॉयल ट्रीटमेंट। वहाँ ले गए एकदम, वहाँ देखा तो सामने खाली, एकदम पूरा स्टेडियम खाली है और एक पूरा आगे स्टेज है और स्टेज पे एक बहुत बड़ा आसन है। बोले चलिए वाह क्या बात है, घुमाते उसको चामर करते हुए ले गए, उसको वहाँ बैठा दिया। बोले क्या बात है, अब क्या होगा? कुछ नहीं, एकदम एकांत। तभी अचानक सामने से पहलवान आता है, बड़ा लंबा चौड़ा सा पहलवान। बोले क्या करने वाला है? आता है सामने, उसको उठाता है और एक हाथ में उसके चाबू के धनाधन 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 पिटाई। बोले क्या हो रहा है, बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला है नहीं। वो इतना बड़ा तकड़ा पहलवान, खूब पिटाई करता है, ऐसे करता है पिटाई, मुंह में रुई भर दी, सारे हाथ पैर बंद, खूब पिटाई की, इतनी पिटाई की। उसके बाद बेचारा एकदम बेहाल हो गया, दोबारा से टाइम खत्म हुआ, हाथ पैर खोल दिए, दोबारा से पालकी में बैठाया, बाहर ले गए, बाहर फिर ऐसे बढ़िया लेते ट्रायल ट्रीटमेंट में बाहर होते। जब बाहर निकले लोगों ने पूछा क्या था यार, कैसा था पहला एक्सपीरियंस, कैसे था? अब कैसे कहे, सुबह 3 बजे से लाइन में खड़ा हूँ, पहला व्यक्ति था, बहुत बढ़िया, कहता बयान नहीं कर सकता, कमाल का, परफेक्ट, अनबिलीवेबल, क्या बात है, मेरी बारी भी आई है। दूसरा व्यक्ति भी जाता है, उसका भी ऐसे हाल, खूब पिटाई, खूब ये करके, वो भारत है, क्या बताऊं, वो हो। अब वो बोले अगर मैं बोल दूंगा मेरी पिटाई हुई है, पहले वाला तो क्या किया, बहुत अच्छा लगा, तो बोले यही मूर्ख है, इसको पिटाई होगी, ये पागल होगा, नहीं बहुत अच्छा हुआ। तो ये संसार ऐसा है, इस संसार का प्रचार ऐसा है, है ना। फ्री एयर टाइम, ये करो आप खुश हो जाओगे, ये करो आप खुश हो जाओगे, कहीं मेरी पेट्रोल पंप पे लिखा होता है ये मोबाइल ऑयल डालो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी आप खुश हो जाओगे, हर कोई खुशी को बेच रहा है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जब वो मॉन्ट्रियल में थे, तो कहते हैं कि जब मैं मॉन्ट्रियल में था तो कैनेडियन एयरलाइंस का स्लोगन था वहाँ पे एयरपोर्ट पे, कैनेडियन एयरलाइंस का स्लोगन था फ्लाई टू इंडिया एंड बी हैप्पी। और मैं इंडिया में उतरा तो वही कैनेडियन एयरलाइंस का स्लोगन था फ्लाई टू कनाडा एंड बी हैप्पी। ऐसा मूर्ख बना रहे हैं, ये इस संसार का प्रचार है, धोखेबाजी है। लेकिन असली सत्य का प्रचार केवल भक्ति जानते हैं, किस कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन, नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, खुद करो और इसको खूब बांटो। और ये हर भारतवासी की जिम्मेवारी है। चैतन्य महाप्रभु क्या कह गए हैं,
भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। क्या कह रहे हैं, जिस जिस का भारत भूमि में जन्म हुआ है और मनुष्य योनि जन्म मिली है, उसके दो काम हैं, जन्म सार्थक करो और परोपकार करो। कितने लोगों का जन्म हुआ आपका भारत भूमि में, वही मनुष्य योनि में? हो गया ना मनुष्य योनि में जन्म, मानते हो मनुष्य अपने आप को? तो फिर दो काम करने हैं, क्या? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना जन्म सार्थक करना है और परोपकार करना है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद के शिष्य थे विशाल प्रभु, बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब वो भगवत धाम चले गए हैं। तो एक बार प्रभुपाद वृंदावन में बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे, वो अचानक मीटिंग में आ गए। प्रभुपाद, इस्कॉन के मेंबर का क्या ड्यूटी है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए मेंबर ऑफ इस्कॉन? अचानक ये प्रश्न पूछ लिया। प्रभुपाद ने 6 शब्द में उत्तर दिया, बी कृष्णा कॉन्शियस एंड हेल्प अदर्स इन बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ और दूसरों की मदद करो कृष्णा कॉन्शियस बनने में। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, ये दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। हम खुद अपने जीवन को सुधारें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरों को भी इसका लाभ बताएं, है ना, ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी के वरिष्ठ भक्त थे, उनका कहना था जिस किसी को भी भारत भूमि में जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है और पुरुष का शरीर मिला, मेल बॉडी, आप बताइए मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में कौन सी ज़्यादा फेवरेबल है भक्ति के लिए? मेल बॉडी। क्या क्या फायदे हैं यहाँ बताओ? ऑलवेज प्योर है, यस। और कहीं पे भी जाके प्रचार कर सकते हो, आराम से कैंप कर सकते हो, हैं? नो हेजिटेशन। और क्या है? मोर इंडिपेंडेंसी, संन्यास ले सकते हैं, यस। इसीलिए मिला है भारत भूमि मनुष्य जन्म, आप सबको सन्यासी बनना है। हंस रहे हो आप? मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? आप हंस रहे हो? हाँ, सच्ची में देखिए, सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि वेश धारण करना सन्यास, वो भी कर लें कोई दिक्कत नहीं है। सन्यास वाली चेतना, अगर आप में से कुछ विवाह भी करें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कुछ लोग आप में से विवाह करेंगे, कुछ लोग ब्रह्मचारी आश्रम में आने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी आश्रम में रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हृदय से सबको सन्यासी होना है, समझे? हृदय से सन्यासी का क्या मतलब है? हृदय से सन्यासी होने का क्या मतलब है? हाँ, डिटैच रहना। अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। अगर भक्ति योगी बनना है तो सन्यासी होना आवश्यक है, यानी कि संसार से भी आसक्त रहूं और भगवान से भी आसक्त रहूं, दोनों नावों पे पैर रख के बड़ा एक्सपर्ट स्विमर बनूंगा मैं। नहीं, संसार की नाव तो डूबने डूबने वाली है, भगवान की नाव में रखेंगे तो इस भव सागर को पार कर जाएंगे, लेकिन जब तक इस संसार में है कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन एक ऐसी नाव बनाई है जो हमें पूरा भव सागर पार करा देगी। तो हमेशा भक्तों के संग में रहना है और अपने लाभ के लिए कुछ नहीं करना, हमेशा क्या करना है? दूसरों के बारे में सोचना है। सन्यासी का अर्थ है जिसका पूरा जीवन दूसरों के लाभ के लिए है। अगर हमारा परिवार भी है, उस परिवार को भी हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, हमारा बिजनेस भी है उसको भी भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ये क्या हो गया? हृदय से हम क्या हो गए? सन्यासी हो गए। क्यों? हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? परोपकार के लिए। जो व्यक्ति हमेशा अपने ही बारे में सोचता रहेगा वो परोपकार कर सकता है? वो तो कहेगा आप मेरे पे उपकार करो। क्या भिखारी किसी को भीख देख सकता है? नहीं। हम खुद ही भिखारी बने रहे, मैं दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे घर वाले तंग करते हैं, मेरा ये है मेरा वो है। आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लो, हर कोई परेशान है कि नहीं? हर कोई परेशान है। और जब तक हम अपने परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे दूसरे का उद्धार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भूल जाओ अपनी परेशानी को। अपनी परेशानियों से ऊपर उठने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रचार करो, दूसरों को खुशियां बांटो, हमारे जीवन अपने आप खुशियां आ जाएंगी। हम परेशान क्यों हैं? ये जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा, इसलिए परेशान है ना। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, उसको प्रेम मिल नहीं रहा, कैसे मिलेगा प्रेम?
व्हाट यू गिव यू विल गेट गेट बैक. आप गेंद फेंकोगे तो वही बाउंस होगी, वापस आएगी. गिव लव, देना सीखना है. जब तक हम अपेक्षा रखेंगे कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कोई भी हमारी आशा के अनुरूप नहीं चलेगा. तो असली सन्यासी बनने का मतलब क्या है? स्टार्ट गिविंग गिविंग गिविंग. शेयर करो, जो भी आनंद है दो. हम देखेंगे प्रभुपाद कहते हैं अपने मन को कंट्रोल करने का, अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने बारे में ना सोचो, दूसरों के लाभ के बारे में सोचो. मानते हो इस बात को? आप लोगों को क्या अनुभव है जब आपने किसी का भला किया, किसी को आपने भक्ति में इंट्रोड्यूस किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप में से हर किसी ने, मुझे उम्मीद है, कुछ ना कुछ प्रचार की सेवा जरूर की होगी. सबने किया? तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. आपने पुस्तक बांटी, किसी को भक्ति में इंट्रोड्यूस किया, आपको कैसा लगा था? हाँ ब्रो. जी बहुत फायदा होता है, जैसे कोई सर्विस मिल गई ना, फिर दिमाग में वही चलती रहती है कैसे पूरी होगी. हाँ. फिर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी भूल जाती हैं. अब जैसे सुबह कोई सर्विस मिल गई, शाम को करनी है, फिर सारा दिन वही चिंतन रहता है. हाँ. और सारा दिन ऐसे ही निकल जाता. हाँ, तो अपने बारे में भूल जाते हो. भक्तों को पता भी नहीं होता कब खाना है कब सोना है, पता नहीं चलता. नहीं तो हम हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, यार उसने मेरे को देखे हंसा नहीं मेरे को, यार या वो मुझसे बुरा तो नहीं मान गया ना, मेरे को बारे में ये क्या सोच रहा है, मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, यही सोचते रहते हैं. मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे बाल तो ठीक है ना. हम इतने सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, मेरा क्या होगा, है ना, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं. अरे भूलो अपने आप को, तुम हो क्या? कुछ नहीं हो. ये जीवन मिला है परोपकार के लिए, ठीक है ना? तो करें. और किसका कोई अनुभव शेयर करेगा? यस प्रभु. प्रभु जी, मेरा एक एक्सपीरियंस है, जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उतने ही माजो में नेगेटिव डायरेक्ट है, वो उसके पीछे छूट जाता है और ओवर टेंशन फ्री हो जाता है. यस, सारी भौतिक इच्छाओं से पीछा छोड़ते हैं, टेंशन फ्री हो जाता है, भव आनंद, असली आनंद मिलता है. हमारे एक व्यक्ति थे, मैं भक्त थे, मेरे साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, हम सड़क पे कर रहे थे, गाड़ियाँ रोक के कर रहे थे, बेचारे की हो ही नहीं रही थी, फर्स्ट टाइम वो कर रहा था. एक घंटा हो गया, लगा हुआ है, हो ही नहीं रहा, फिर लग रहा है नहीं हो रहा, बड़ा परेशान हो रहा है, लगे रहो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो. रुका और एक व्यक्ति ने ले ली, वहीं सड़क पर नाचना शुरू हो गया. ओहो हरी बोल, हरी बोल, नाचना शुरू कर दिया. ओहो, मुझे इतना सुख कभी नहीं मिला लाइफ में, मैंने पहली बार ही किसी को गीता दे दी और उसने ले ली. वाह क्या बात. उसके बाद वो ऐसा उत्साह आया, धड़ा धड़ शुरू हो गया एकदम, है ना. यस, और कोई से अनुभव? यस सिद्धार्थ. मध्य प्रदेश में मतलब मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, तो उनको ना मतलब जैसे मैंने शुरू किया था, वो कृष्ण जी को इतना जानते नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कौन भगवान है क्या है. तो कृष्ण लीला बुक है, मैंने मतलब रोज उनको ना फर्स्ट चैप्टर सुनाया, रोज वो आते हैं इंटरेस्ट से, बोलते कि और सुनो. हालांकि मैं मिला भी नहीं हूँ अभी तक, बट वो रोज मतलब 7-8 जने हैं, रोज मेरे से सुनते, उसी चक्कर में मैं भी पढ़ता हूँ कि मैं उन्हें उनको बताना है. वाह क्या बात है, वाह वाह, छिपे रुस्तम है. नहीं छिपे रुस्तम है. ये तो इंटरेस्टेड प्रीचर बन गए, पंजाब से मध्य प्रदेश, वाह वेरी गुड. देखिए क्या कह रहे हैं उन्होंने, किसी बहाने मेरी पढ़ाई हो गई, तो प्रचार से अपने आप को लाभ होता है, वेरी गुड. ये परोपकार करने के जन्म सार्थक हो गया इनका. वेरी गुड. और कौन शेयर करेगा? अच्छा तो सबने किया होगा, क्यों भाई आश्चर्य गिर रहा है, कोई बता नहीं रहा? हाँ तो वो एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था किसी को, हाँ तो मतलब वो कह रहे थे कि काफी मतलब फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. हाँ. तो फिर मैंने कहा कि आप भागवत गीता एक श्लोक रोज पढ़ लो. हाँ. तात्पर्य. हाँ. तो फिर मतलब उन्होंने पढ़ी तो 2 दिन बाद खुद आके मतलब उन्होंने कांटेक्ट किया कहते हां लाइफ थोड़ी सी मतलब यस हरी बोल, यस वेरी गुड. कितने ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल आत्महत्या के मुकाम पे थे, उनको भक्त मिले, उन्हें आत्महत्या के विचार छोड़ दिए. हमारे प्रैक्टिकल जीवन में ऐसे बहुत से हुए हैं. तो क्या करना है ये प्लीज़ अपने आप को याद दिलाना है. अक्सर लोग बोलते हैं अर्जुन का तो सौभाग्य था, उसको भगवान की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल गई, हमें तो भगवान की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिली नहीं. चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उसका विशेषकर हम भारतवासियों के लिए इंस्ट्रक्शन है. चाहे हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे या ब्रह्मचारी आश्रम में जाएंगे, मनुष्य हैं, चाहे पुरुष है या स्त्री है, लेकिन विशेषकर जो पुरुष के शरीर में है उनके लिए तो बहुत जरूरी है ये, जन्म सार्थक करी कर परोपकार.
ये भारत भूमि में जन्म हमें तुक्के से नहीं मिला, ये भगवान का भगवान की योजना से मिला है। जब शीला प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे तो प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों के साथ बैठते थे तो सब कहते थे महाप्रभु ने ऐसे बोला है, पृथ्वी से आते नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचार हई वे मोर नाम, कि पृथ्वी के कोने कोने गांव गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। कहाँ होगा, 500 साल तो बीत गए कुछ हो नहीं रहा, तो शायद महाप्रभु की इच्छा मतलब होगा, पृथ्वी का मतलब भारत है ना, भारत में ही होगा। तो प्रभुपाद जी थे बोले नहीं, आप भगवान की वाणी में अपने अपनी मेंटल स्पेकुलेशन क्यों डाल रहे हैं, अपनी अटकलें क्यों डाल रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला है पृथ्वी तो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पे होगा ही होगा, प्रभुपाद को पूरा विश्वास था भगवान की वाणी में और प्रभुपाद उस वाणी को लेकर गए विदेशों में, है ना। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। देखिए प्रभुपाद ने कहाँ जाके विदेशों में कैसे परोपकार किया, किन हिप्पियों का उद्धार कर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला कि गौर नेताई ने तो एक जगाई मदाई का उद्धार किया, लेकिन हमने उनकी कृपा से हजारों जगाइयों मधाइयों का उद्धार कर दिया। हम सभी तो जगाई मधाई थे ना। प्रभुपाद कहते हैं मेरा क्रेडिट नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ नित्यानंद प्रभु से मैंने ज़्यादा कृपालु हो गया, ये उनकी कृपा है, ये गुरु परंपरा की कृपा है। इसका मतलब क्या है, हम भी गुरु परंपरा में जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे शिष्यों को मुझे भी एक्सेल करना है। सारी गुरु परंपरा ये क्या है, जो गुरु परंपरा की शक्ति है ना, ये भौतिक जगत की बिल्कुल उल्टा चलता है। भौतिक जगत में आपके चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देंगे कि हम 2.5 करोड़ रुपये देंगे आपको, लेकिन नीचे पहुँचते पता नहीं कितना मिलेगा ना, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं क्या होगा ना, ग्राउंड लेवल पे आते थे है ना, कमीशन कटती जाती है ऐसे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, भगवान श्री कृष्ण से श्रीमती राधा रानी से कृपा निकली, गुरु परंपरा के माध्यम से आई, तो कृपा कटती नहीं है, कृपा बढ़ती है। तो आप जितना इसमें जुड़ेंगे पूरी कृपा मिलेगी। आप बोले प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े कुछ नहीं, बस हिम्मत होनी चाहिए। प्रभुपाद पूरा आश्रित हो जाइए, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए, जितना आता है वो शेयर कीजिए, पुस्तकें दीजिए, बांटिए, आप देखेंगे चमत्कार होंगे आपके जीवन में, चमत्कार होंगे, ठीक है ना। जब हम किसी के जीवन में चमत्कार होते देखते तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है, राइट। तो ये है जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इसलिए एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बलराम जी के साथ गायन चलाने जा रहे थे और उन्होंने वृक्षों को देखा, वृक्षों को देखकर भगवान ने वृक्षों का गुणगान करना शुरू कर दिया, क्योंकि वृक्षों का जीवन क्या है, दूसरों के परोपकार के लिए है। तो भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक बोला, मेरे पीछे बोलिए, एतावत् जन्म साफल्यम् देहिनामिह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। इसको पढ़िए, अनुवाद पढ़िए जोर से। कितना सुंदर श्लोक है ना। It is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others with his life, wealth, intelligence and words. है ना? एतावाज जन्म साफल्यम देहि नाम ही देहिषु। जिस भी जीवात्मा को यह देह प्राप्त हुआ है उसका जन्म सफल हो जाएगा। कल हमने बर्थडे मनाया था ना, किसी का बर्थडे मनाया था कल हमने, पार्थ प्रभु का और प्रदीप प्रभु कहाँ पे और कौन थे, दीपक प्रभु, पार्थ प्रभु, सुमित, और आपका नाम क्या है, दीपक जी, पार्थ जी, प्रदीप जी और सुमित जी, है ना। इनका हमने बर्थडे मनाया था, हमने हैप्पी बर्थडे भी बोला था, हरे कृष्णा टू यू भी बोला था। तो आप भक्तों का और हम सबका जन्म सफल कब होगा, प्राणे अर्थे धिया वाचा, अपने प्राणों से, अपने धन से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से क्या करना है, श्रेय आचरणम सदा। दो प्रकार के काम होते हैं, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, प्रेयस और श्रेयस में क्या डिफरेंस होता है? श्रेयस जो होता है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, प्रेयस जो है अभी मतलब
अच्छा लगता है कि बाद में जहर जैसा होता है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पॉइंट. हरी बोल. थैंक यू. गुड. शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए अल्टीमेट बेनिफिट के लिए होता है और प्रेयर्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, तो ये बाद में हमें दुख देगा. आज का पूरा संसार किस में लगा हुआ है? प्रेयर्स की श्रेयस में. प्रेयर्स में. तो हमने क्या करना है? श्रेयस आचरणम सदा, सदा ही श्रेयस का आचरण करना है. ऐसा कार्य करना है जो सबका, जिसमें अल्टीमेट बेनिफिट हो, यानी सबका परोपकार करना है. कैसे करना है? चाहे इसके लिए अपने प्राण भी देने पड़े, प्राण दें, अपना धन दें, अपनी बुद्धि लगाएं, अपनी वाणी लगाएं, लेकिन प्रचार ही सार है. ये सब करना है. ओके. देखिए, एक बार हरिदास ठाकुर जी के पास चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरिदास ठाकुर, ये यमनों का कैसे उद्धार होगा? यमन जानते हैं, जो ये मुसलमान लोग हैं या जो वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते, तो इनका उद्धार कैसे होगा? है ना, महाप्रभु की चिंता है. क्योंकि महाप्रभु तो बड़े दयालु हैं. क्या जवाब दिया हरिदास ठाकुर जी ने? हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य हैं. तो हरिदास ठाकुर जी ने बोला, चिंता ना करी प्रभु, चिंता मत करो. ये जवन है, ये हाराम हाराम बोलते हैं. जब किसी को गाली देते हैं ना, तो हाराम बोलते हैं ना, हराम ना, हरामी या हाराम, हाराम बोलते हैं. बोले हाराम कहा तो क्या कह दिया उन्होंने? अनजाने में राम का नाम ले दिया, बस इनका उद्धार हो गया. ये नाम की शक्ति है. महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए. फिर महाप्रभु ने पूछा कि ये मनुष्य का तो चलो उद्धार हो गया, उसने हाराम कह दिया, ये जो कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वृक्ष योनि हैं, इनका कैसे उद्धार होगा? ये तो हरि नाम नहीं ले पाएंगे. फिर हरिदास ठाकुर ने क्या जवाब दिया? सोचो. सुन के. कैसे, किससे सुनेंगे? कीर्तन करेंगे. हम जोर से करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो जोर से हम कीर्तन करेंगे, तो कीर्तन जोर से होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने जोर से कीर्तन होगा, तो उतने लोगों का उद्धार होगा. तो ये जब शब्द ध्वनि उनके कानों में जाएगी, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा. ओके. ये चैतन्य महाप्रभु. तो जब हम प्रचार करते हैं, तो महाप्रभु की चिंता को कम कर देते हैं. महाप्रभु की ये चिंता है, भगवान की ये चिंता है कि इन बद्ध जीवों का उद्धार कैसे होगा. तो जब हम प्रचार करते हैं, तो महाप्रभु की चिंता को कम करते हैं. और जो हम गुरु जी हैं, हमारे प्रभुपाद जी हैं, उनके शिष्य जो गुरुजन हैं, उनसे हम दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि गुरु और महाप्रभु की चिंता को कम करना. गुरु की चिंता भी क्या होती है? कि भगवान की चिंता को कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा. माया का प्रचार तो कंटिन्यूअस चल रहा है. अभी सोशल मीडिया से माया का प्रचार बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया. खूब बढ़ गया. सारी गंदगी हमारे टेलीफोन में आ गई. जस्ट बाय द प्रेस ऑफ अ बटन आप सारी गंदगी अपने मन में उतार सकते हैं. इतना मुश्किल हो गया. आजकल की यंग जनरेशन का माइंड स्टेबल है कि अनस्टेबल है? मुख्य कारण क्या है? सोशल मीडिया, ओवर एक्सपोजर, अंडर डेवलपमेंट. है ना, इतना ओवर एक्सपोजर हो गया, डेवलपमेंट हुआ नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. जैसे छोटे बच्चे को आप पोर्नोग्राफी दिखा दो, क्या हालत होगी उसकी? ऐसा हो रहा है, उसका सारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, बुरी हालत उसकी हो रही है. आगे जाके वो क्या दूसरे का भला करेगा? क्या भला करेगा? आप सोचिए, संसार कितनी गलत दृष्टि में जा रहा है, कितनी गलत दिशा में जा रहा है. तो क्या कर्तव्य बनता है हमारा? संभालें सबको, अपने आप को भी और दूसरों के. श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि एक सज्जन व्यक्ति एक अंधे व्यक्ति को दे रहा है और वो गड्ढे में गिरने वाला है, तो सज्जन व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए? भाग के जाए, उसको बचाए, उसको गिरने ना दे. इसी ढंग से हम देख रहे हैं हमारे आसपास के जो यंगस्टर्स हैं, पंजाब में विशेषकर, ड्रग एडिक्शन में जाते जा रहे हैं. तो हमारा कर्तव्य नहीं है कि उनको बचाएं? बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए. तो कैसे मदद करनी है? प्राणे अर्थे धिया वाचा, अपने प्राण भी लगाने पड़े, लगाएं. शीला प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है ना. प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट उठाए. आप देखते हैं कि ये श्लोक बोलिए हमारे साथ, तप्यन्ते लोक तापेना साधवा प्रायश जना परमराधनं तद्धीहा
पुरुषस्य अखिलात्मना। पढ़िए इसका अनुवाद। This is considered the highest method of worshipping the Supreme Personality of Godhead, who is present in everyone's heart. वो क्या करते हैं जो साधु जन, क्या होते हैं? तप्यन्ते लोक तापेना, खुद तपस्या करते हैं, खुद कष्ट उठाते हैं लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए। साधु जनों का यह स्वभाव है। और परम आराधनम तद्दीह पुरुषस्य अखिलात्मना, पुरुषस्य अखिलात्मना जो सबके पुरुष हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इसकी पूजा का सबसे उत्तम तरीका क्या है कि हम दूसरों का लाभ करें। दूसरों का परोपकार करना भगवान श्री कृष्ण की सर्वोत्तम पूजा है, और इसके लिए हमें जितने भी कष्ट उठाने पड़े हम उठाएं। प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट उठाए, आज हम यहाँ इसको लुधियाना में बैठे हैं, इतनी सुंदर फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, है ना। प्रसाद कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया, गर्म प्रसाद मिला, मिला कि नहीं मिला? सोने की जगह मिली, नृत्य करने की जगह मिली, खुले में सब कुछ कर रहे हो, इतना खुला वातावरण है, सब कुछ मिल रहा है। प्रभुपाद जी को ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। प्रभुपाद जी को इतना संघर्ष करना पड़ा। प्रभुपाद जी एक छोटे से गंदे से कमरा मिला बावरी स्ट्रीट में। जब प्रभुपाद बावरी स्ट्रीट में गए, वहाँ यूरिन और बियर की स्मेल आती थी, बस कॉमन टॉयलेट शेयर करते थे प्रभुपाद। कॉमन टॉयलेट शेयर करते थे प्रभुपाद जी, और लाइन में खड़े होते थे, है ना, हिप्पीज के साथ लाइन में खड़े होते हैं, कॉमन टॉयलेट शेयर कर रहे हैं। आप सोचिए, एक सन्यासी हैं, वृंदावन से गए, क्या उनको कितनी तपस्या करनी पड़ी, और ऐसे ऐसे बेहुदा लोगों का सामना करना पड़ा। वो चरस गांजा पी के उन्हीं के मुंह पे धुआं फेंकते थे। जब प्रभुपाद बाहर जाते थे तो उनके गेट के पार ऐसे नशे में लेटे पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, वहाँ से उनको प्रभुपाद को निकलना पड़ता था, है? और ऐसी ऐसी हरकतें करते थे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे माइकल, उनकी गर्लफ्रेंड थी जेन्स। प्रभुपाद ने बोला, तुमको मैं दीक्षा दूंगा, पहले शादी करो। प्रभुपाद उनकी शादी कराई, तो जेन्स ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया कि चलो तुम भी मेरी शादी में जाओ। पहले माँ को फ़ोन किया, माँ बोलती मैं तो नहीं आऊँ जिससे मुझे शादी कर, वहाँ तो ऐसे ही कल्चर है। छोटी बहन आ गई, छोटी बहन आई जिसका नाम था जोन्स। तो प्रभुपाद अकेले फीस्ट बना रहे हैं उनके लिए, तो उसकी छोटी बहन आई जोन्स कि स्वामी जी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? हाँ आ जाओ। वो 17-18 साल की थी, मिनी स्कर्ट डाला हुआ, टॉप्स डाला हुआ, और वो प्रभुपाद जी के साथ आटा गूंदने लगी। प्रभुपाद उसको सिखा रहे हैं कैसे आटा गूंदना, उसको कुछ पता ही नहीं। फिर बीच में कहती है, स्वामी जी मुझे सिगरेट पीनी है। प्रभुपाद ने जवाब दिया, और सिगरेट पियाओ। फिर सिगरेट पी के आई वो, फिर दोबारा हाथ लगा, मैं हाथ धोवो, चलो हाथ धोया। फिर दोबारा सिगरेट पीनी है, जाओ फिर चलो हाथ धो। ऐसे ऐसे प्रभुपाद ने ट्रेन किया। बाद में ये जोन्स लड़की थी, बाद में बनी यमुना माता जी। आप सुनते ना डेली, गोविंदा मादि पुरुषम, ये उन्हीं का गाया हुआ है। कैसे तपस्या की प्रभुपाद ने, किन किन लोगों को झेला। एक बार प्रभुपाद ऐसे लेक्चर दे रहे थे, एक हिप्पी घुसाया यहाँ पे, है ना, नशे में एकदम। तो हिप्पी घुसाया और बोला, प्रभु स्वामी जी कुछ लेके आया हो। क्या लेके आया था? वो टॉयलेट पेपर। अंदर गया टॉयलेट में, टॉयलेट पेपर लगा के आ गया। सबको बड़ा गुस्सा है, कर क्या रहा है? प्रभुपाद ने बोला, देखो कितना अच्छा इसका सर्विस एटीट्यूड है। कुछ तो सेवा करना चाहता है ना। एक बार प्रभुपाद ऐसे लेक्चर दे रहे थे, वहाँ तो अजीब अजीब से लोग प्रश्न पूछते थे, है ना। तो किसी ने, प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बन जाओगे। लेकिन हाथ उठाया, तो फिर क्या हो गया, मैं बन जाऊँगा कुत्ता? प्रभुपाद बोला, ऑल द बेस्ट। तो बड़े, हमें तो आपको ऐसी ऑडियंस मिल जाए, है ना। एक बार प्रभुपाद को लगा, एक लड़का बड़ा बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, वो प्रभुपाद के साथ रहने लगा। प्रभुपाद लगा, ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा भक्त बनेगा। प्रभुपाद जी ने अपने गॉड ब्रदर्स को लिख दिया, एक लड़का मिला है मुझे जो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, मुझे उम्मीद है बहुत बड़ा संत बन जाएगा ये। तो प्रभुपाद ऐसे रात को अकेले बैठे थे, एक बार उसने दोबारा से LSD पी ली और वो पागल हो गया, और प्रभुपाद जी के ऊपर उसने पूरा आक्रमण कर दिया, मारपीट करनी शुरू कर दी। रात के 1:30 बजे प्रभुपाद एकदम सड़क पे आ गए अकेले। आप सोचो, एक नए प्रदेश में
एक ही व्यक्ति जिस पर आपने विश्वास किया था उसने मारपिटाई शुरू कर दी, प्रपद का पुराना सा टेप टाइपराइटर था वो भी चोरी हो गया, बिल्कुल कोई पैसा नहीं कोई कुछ नहीं, रात के 1:30 बजे कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, सड़क पे खड़े हैं। अब सोचिए कितनी हालत, कितने कष्ट सहे प्रभुपाद जी ने, किसके लिए, हम सबके उद्धार के लिए। आज प्रभुपाद ने वो कष्ट ना सहे होते तो आज इस कौन लुधियाना नहीं होता, हम सब यहाँ नहीं होते, हमें पता नहीं किन बुरी आदतों में फंसे होते। तो इसलिए हमें जानना है कि जब हम प्रचार करते हैं तो हमारी गुरु परंपरा ने, हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे हैं, तो हमारा कर्तव्यता है एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड, हमें हम जो मिला है इसको हम शेयर करें, इसको हम दें, इससे हमारा भी आनंद बढ़ता है और दूसरों को भी आनंद मिलेगा, है ना। और अगर हम प्रचार नहीं करते तो आपको कोई कहे जी प्रचार करने की आवश्यकता क्या है, मेरे को आपने बता दिया 16 वाला 4 नियम करो, मैं कर रहा हूँ, मैं पतली गली से भगवत धाम चला जाऊँगा, चुपचाप मेरा तो उद्धार हो गया ना, बाकी यहाँ पे जो हो रहा है होने तो हमें क्या लेना देना। हम ज़्यादातर हिंदुओं की यही मेंटेलिटी है ना, होने दो जो होने दो, अपना चुपचाप निकलो बस, क्यों दूसरों को डिस्टर्ब करूं, कोई सुनता तो है नहीं हमारी, क्या कहना है आपका। तो ठीक से कर लें, ऐसा घर वाले ऐसे ही कहते हैं ना, तो अपना काम कर, क्यों फालतू में चक्करों में पड़ा हुआ है, क्या किताबें बांट रहे थे उधर की हैं, अपना घर में बैठ पढ़ाई कर, भक्ति कर, ये भी तो भक्ति है, बस आराम से निकल जा बस चुपचाप, हमने भी तो, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं सब, तो क्या कहना है आपका, चुपचाप अपना काम करो, निपटाओ इसको, ख़त्म करो, या अपनी माला बढ़ा दो थोड़ी सी, टाइम ज़्यादा तो माला बढ़ा दो, आप 32 माला कर लो हैं, क्यों भाई दूसरों का उद्धार करने की क्या जरूरत है, क्यों भाई अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, कोई बात नहीं यार, भगवत हम चला जाऊंगा ना। अवेयरनेस ना लाओ तो क्या, क्यों जरूरत है अवेयरनेस लाने की, फिर क्या जरूरत क्या है, खुद का प्रचार होता है सबसे बड़ी बात है, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे लिए माला करना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए 4 नियम पालन करना मुश्किल हो जाएगा। आप ईमानदारी से बताना, मंदिर में बैठे हैं, क्या आज के टाइम में 4 नियम पालन करना आसान है, क्यों, आसपास का वातावरण खराब है, अगर आसपास का वातावरण ठीक हो तो नियम अशक पढ़ने आसान हो जाएंगे, वातावरण इतना दूषित है, इतना लस्टी डिजायर को बढ़ाता है, और हमें बोला जाता है नहीं कोई इलिसिट रिलेशन नहीं रखना, ये नहीं करना, वो नहीं, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, मेजॉरिटी सब उल्टे सीधे नियम तोड़ रही है और हम कुछ कर नहीं रहे, तो हमारे पे कितना प्रेशर है, कितनी मुश्किलें हो रही हैं, और ये आगे प्रचार बढ़ता जा रहा है माया का, हमने प्रचार नहीं किया तो हमारा अपना 16 माला करना मुश्किल हो जाएगा। पहले हम सोचते थे ये ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ, बहुत अमीर घरों में होती है, बहुत नीचे के घरों में होती है, अब तो घर घर में घुस रही है, घर घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ऐसी इतना ये फैल रहा है कैंसर की तरह, इसलिए अपनी रक्षा के लिए भी प्रचार की आवश्यकता है, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भी प्रचार की आवश्यकता है। आपको मालूम है हमें क्रिश्चियन मिशनरी से सीखना चाहिए, वो कितनी तपस्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट पूरा आज ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया है, क्यों कन्वर्ट हुआ है, हमें उनसे सीखना चाहिए, यूरोप से अमेरिका से क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज में अकेला एक व्यक्ति कितने कष्टों को सह रहा होगा बताइए, एक व्यक्ति जाके पूरे गांव को बदल देता है, एक व्यक्ति बस, हिम्मत है कि नहीं, तो हमें भी हिम्मत लेनी चाहिए, हमें इस बात के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है धर्म का प्रचार करें, तरीके जैसे अपना रहे उनके अगेंस्ट हमें ऑब्जेक्शन है, लेकिन ये जानना है अपनी रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, क्यों जरूरी है सनातन धर्म की रक्षा करना, नए नए धर्म आके तो फिर सनातन धर्म से लाभ क्या किसी को, क्यों करनी सनातन धर्म की रक्षा, भगवत धाम सनातन धर्म से ही जा सकते हैं, गुड, और इस जन्म में क्या लाभ होगा सनातन धर्म से,
प्रभुपाद जी बोलते हैं जितनी मात्रा में हम व्यक्तिगत स्तर पे और सामूहिक स्तर पे समाज के स्तर पे धर्म का पालन करेंगे उतनी मात्रा में हम खुश रहेंगे और तभी हम भगवत धाम भी जा पाएंगे। बिना धर्म के नियमों का पालन किए कोई व्यक्ति खुश नहीं रह सकता और प्रचार उल्टा हो रहा है, जितना धर्म के नियम तोड़ो उतना हम खुश रहेंगे। मदिरा पान करो, व्यभिचार करो, जुआ खेलो, सब कुछ नशा करो, तब आप खुश हो जाओगे। ये धर्म के चार स्तंभ हैं, जितना इन धर्म को संभाल के रखेंगे, सनातन धर्म का प्रचार होगा उतना सनातन धर्म की रक्षा होगी, उतना इस संसार में हम खुशियाँ बांट पाएंगे और हम भी खुश रह पाएंगे। इसीलिए आप सब यंग हैं और भारत जो है इंडिया इस पूरे समय वर्ल्ड की यंगेस्ट कंट्री है। प्रभुपाद जी कहते हैं आज पूरे संसार में हलचल मची हुई है, सब लोग दुखी हैं, इसकी जिम्मेवारी भारतवासियों की है क्योंकि भारतवासियों ने अपने कर्तव्य का पूरा पालन नहीं किया। उनको आदेश थे जन्म सार्थक करी कर परोपकार, लेकिन भारतवासी बड़े सुस्त हो गए, वो अंग्रेजों से इतने प्रभावित हो गए, उनके उल्टे सीधे कल्चर को अपनाने लगे। हमें बाहर निकलना है। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का विशेष अवतार है। ये कलयुग बहुत ही धन्य कलयुग है, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। जो प्रेम को हम खोज रहे हैं वो प्रेम इतनी आसानी से दे रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको बांटना है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गौर निताय को अपने बस मंदिर में बंद मत रखो, गौर निताय को बाहर ले जाओ। आज लुधियाना के कितने लोग जानते होंगे गौर निताय के बारे में? 0.01%। किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है। कोई जानता ही नहीं गौर निताय को, और इस कलयुग में जब तक कोई गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं लेगा उसका उद्धार कैसे होगा? ये अवतार इतना विशेष है, ये हमें हरिनाम देने आया है, ये हमें भगवान का प्रेम देने आया है और हमें ये कलयुग के प्रभावों से बचाने के लिए आया है। भगवान को स्वयं आना पड़ा, पावर पैक्ड अवतार है भगवान का ये, तो इसलिए हमें खूब उनका प्रचार करना है, उनकी शिक्षाओं को समझना है, अपने जीवन में उतारना है, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। तो ये प्रचार तीन स्तर पे होता है। पहला प्रचार का स्तर है नए लोगों के पास जाना, है ना, जितने लोगों को भी मालूम नहीं उनको बताना, ओके। दूसरा है जो ऑलरेडी हैं भक्ति में उनका ध्यान रखना, उनको भी आगे उत्साहित करते रहना, आगे बढ़ते रहना भक्ति में। और तीसरा है अपने आप को प्रचार करना। इस संसार का सबसे बड़ा जो अभक्त है वो है हमारा मन। हमारा मन कहता है छोड़ना यार, बहुत हो गया, इतना भी गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में थोड़ा बहुत मज़े भी ले लेने चाहिए, दोनों चीज़ें साथ साथ चलें, 50-50 बढ़िया है ना। क्रैक जैक बिस्कुट आते थे ना नमकीन और मीठा दोनों, कभी सुख कभी दुख, बढ़िया है, तभी अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत ही जगत की लाते खा के आएंगे भक्तों के बीच में अच्छा लगेगा, भक्तों के बीच में फिर बहुत ही जगत में जाएंगे, दोनों चलते रहें साथ साथ, है ना। नहीं तो हमारे मन को भी हमने प्रचार करना है, जो ऑलरेडी भक्ति में आ गए हैं उनको और भक्ति में आगे बढ़ाना है, और जो नए लोगों को फिर पकड़ के लाना है, है ना। इसको बोलते हैं, महाप्रभु ने बोला है ये हमारा धर्म है, इन तीनों का ध्यान रखना। क्या, किन तीनों का ध्यान रखना है? नए लोगों को जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और अपना भी। इसको बोलते हैं नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। नामे रुचि मतलब अपने लाभ के लिए हम अच्छे ढंग से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें। जब तक आप प्रभुपाद की पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे आप प्रचार कैसे करेंगे? जिसने प्रभुपाद की पुस्तकों को गंभीरता से पढ़ लिया वो चुप नहीं रह सकता। अगर आप चुप बैठे हैं इसका मतलब वही प्रभुपाद की पुस्तकों को अपने ध्यान से पढ़ा नहीं है। प्रभुपाद की पुस्तकों में ऐसा फायर है, ऐसे बम की तरह फूटते हैं, कोई चुप नहीं रह सकता। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए प्रभुपाद जी ने, आप शेयर करोगे ही करोगे, है ना, कि क्या बात है, वाह क्या बताया है ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिए प्रभुपाद जी ने। आप में से कितने लोगों को मालूम था मनुष्य जीवन पशु जीवन में कोई अंतर होता है प्रभुपाद जी के आंदोलन में आने से पहले? नहीं मालूम था तो हमारे मित्र से एक थे, उनसे चर्चा होती थी कि मनुष्य जीवन पशु जीवन में क्या अंतर है। तो हम कभी घूमने जाते थे तो जब टॉयलेट में जाता था ना न्यूज़पेपर लेके जाता था और एक घंटा लगा के बाहर आता था, तो बड़ी लड़ाई होती है, क्या तुम इतना टाइम लगाते हो, एक घंटा टॉयलेट में लगा देते हो। तो बताता था यही तो मनुष्य और पशु में अंतर है, पशु पूछ उठाता है मल त्याग देता है,
मनुष्य को अखबार पढ़नी पड़ती है तब जाके वो मलते जाते हैं। हाँ स्कूल में बोलते हैं मैं नहीं सोशल एनिमल, मैं कन्विंस हो गया, बिल्कुल बात ठीक है यार, क्या क्या इंटेलिजेंस व्यक्ति है, गाय ने बैल पूछ उठाई मल त्यागा आगे चली गई, अरे तो पशु करते हैं तुरंत मल त्याग देते हैं, मनुष्य को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, पूरा पेपर जब चाट लेगा फिर उसको मल आएगा फिर ठीक है, तो कुछ तो अलग होना चाहिए। मैं और बताओ और क्या डिफरेंस है, कहते और भी डिफरेंस है, बिल्ली आती है सीधा दूध पी जाती है, मनुष्य खाली दूध थोड़ी पीता है, वो मैंगो शेक बनाता है, चॉकलेट शेक बनाता है, अंतर है, पूरा कन्विंस हो गया, वाह क्या बात है। तो फिर जब प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी तो मालूम चला तो एक्टिविटीज तो वही हैं, ईटिंग स्लीपिंग बेटिंग डिफेंडिंग, बस थोड़े पॉलिश तरीके से हैं, सो मैन इज ए पॉलिश्ड एनिमल, तो फंडे क्लियर हुए। फिर तो ऐसे कितने ही मिसकंसेप्ट हमारे क्लियर हुए, तो जब ये मिसकंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप चुप नहीं रह सकते, आप बताएंगे बताएंगे शेयर करेंगे ही करेंगे। तो नामे रुचि खूब अच्छे ढंग से हम माला करें, हरि नाम को बहुत गंभीरता से लें, बहुत आसानी से हमें भगवान का प्रेम मिल रहा है, दिस प्रोसेस इज ईजी बट नॉट ईजी गोइंग, ईजी गोइंग नहीं हो जाना चलता है यार, कैसे भी माला कर लो, अच्छे ढंग से माला करो, कम से कम हफ्ते में दो दिन आपको आना चाहिए मंदिर में, मॉर्निंग प्रोग्राम आशा गिरिराज प्रभु के साथ बैठ के सब भक्त, आज अपने हरि नाम लिया कैसा लगा आप सबको, कैसा अनुभव को शेयर करें, बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा हो गया, चलो जी आगे बढ़ो। मन कर रहा कि बस वापस जाने ना, हां सुबह मंगल आरती में थे ना, हां मन कर रहा था कि बस यहीं पे हूं, यहीं पे कोई धाम बनाऊं, यहीं पे रहे, जाने का मन ही नहीं कर रहा, ऊपर से मन कर रहा था कि सारे परिवार को यहां पे बुला लें, यस परिवार वालों को भी, वासुदेव कुटुंबकम, सारा लुधियाना आपका परिवार है, हां बुला लो। और हां जी अकेले चैंटिंग करते हैं सही बात है। तो एटलीस्ट आपको हफ्ते में दो दिन तो निकालना ही चाहिए, डेली कर सके तो अच्छी बात है, मंदिर में आए अच्छे ढंग से हरि नाम लें, भागवतम को सुने, और रोज आपको प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना है। आप में से कितने लोग डेली प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, हरि बोल, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, भाई डेली पढ़ते हो, हाँ तो हाथ खड़ा करो ना, शर्मा क्यों रहे हो, गलत काम थोड़ी कर रहे हो, कम पढ़ते हो, आप में से कितने लोग रोज प्रचार करना चाहेंगे, नो लोग प्रचार करने के लिए बंदूक भरी होनी चाहिए, है ना, भारत भूमि के चले गए आप अमृतसर वाघा बॉर्डर पे, भारत माता की जय, बंदूक चलानी आती नहीं, शहीद होकर आ गए वापिस, बस बहुत साल पहले हाँ ना पानीपत में रथ यात्रा थी, तो एक नया लड़का आया था, आपको बिल्कुल नया लड़का जुड़ा था, उसको लेके चला मैं पानीपत में, तो मेरे साथ गीता बांट रहा था, कहता प्रभु जी मैं अकेले बांटूँ, मैं चलो उत्साह आ गया बांटो, गीता बांटे मैंने आया कुछ देखा भीड़ लगी हुई है, मैं क्या हो गया यार भीड़ क्या लगी है, देखा तो धड़ाधड़ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसने पकड़ा वो मारपीट चली उसी भक्त के साथ, मैं क्या हो गया भाई छोड़ो आसपास लोग खड़े हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, बोले मैंने उसको गीता दी वो ले नहीं रहा था, मैं क्या हो गया, कहते हैं मैंने बोला कृष्ण परम पोषण भगवान है, बोलता है नहीं आदि शक्ति दुर्गा माता है, मैंने बोली कृष्ण, बोला दुर्गा कृष्ण दुर्गा, मैं मारपीट शुरू कर मेरी बात नहीं मान रहा, तो ये प्रचार का तरीका है, उसको पता ही नहीं था गीता पढ़ी नहीं उसने, नहीं तो बातचीत करता कुछ करता, तो इसीलिए अगर प्रचार करना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ज्ञान रखना पड़ेगा, नहीं ऐसे मारपीट खा के आ जाओगे, देखो इस बात को गंभीरता से लो, कोई भी कंपनी होती है अगर उसका प्रोडक्ट उसको मार्केट करना है तो पहले स्ट्रेटजी बनाती है कि इस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में प्लेस करना है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे इसको प्रमोट किया जाएगा,
तब जाके वो मार्केट में प्रोडक्ट की कुछ सिचुएशन बनती है। हमारे पास सुप्रीम प्रोडक्ट है तो इसको मार्केट करने के लिए पहले हमें पता तो हो प्रोडक्ट क्या है। किसी ने पूछा, पुस्तक बांट रहा था, इसमें क्या है? कहता जी इसमें दिव्य ज्ञान है। अरे दिव्य ज्ञान है वो क्या होता है? वो पढ़ लो आप, पता चल जाएगा। हमारे सन्यासी हैं प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, वो बता रहे थे कि उनकी टीम में एक नया भक्त आया, वो किताब बांट रहा था, तो किसी ने पूछा ये ऑथर कौन है? ए सी भक्ति वेदांत स्वामी। ये कौन है? बोले कौन है, ये ऐसे स्वामी जी जो हमेशा एसी में रहते थे। वो पता ही नहीं कौन है ये। तो ऐसे नहीं चलेगा, अच्छे ढंग से प्रभात की पुस्तकों को पढ़िए। राइट, आप यहां से जा रहे हैं कैंप से, कुछ संकल्प लेंगे ना आप, कुछ डेली प्रभात की पुस्तकों को पढ़ना है, नामे रुचि प्रभात की पुस्तकों फिलॉसफी को समझना है, अच्छे ढंग से जप करना है, तब आपके अंदर शक्ति आएगी प्रचार करने की। और फिर क्या करना है, नामे रुचि जीवे दया। जीवे दया क्या है? नए लोगों के पास जाना है, उनको हरिनाम देना है, उनको पुस्तकें देनी है, उनको मंदिर में इनवाइट करना है, उनको प्रसाद खिलाना है, उनका नए आए उनका स्वागत करना है, है ना। और फिर क्या है, वैष्णव सेवा। जो अभी वैष्णव है किसको बोलेंगे वैष्णव? चार नियमों का पालन करने वाले तो मनुष्य बनते हैं। जो भगवान का नाम ले रहा है, हाँ, चाहे वो चार नियमों का पालन नहीं भी कर रहा पूरे ढंग से, अभी हमारे मंदिर में आ रहा है, वो हरि नाम ले रहा है, चाहे वो हमें पसंद है या नहीं, या उसकी दाढ़ी मुझे पसंद नहीं है, उसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, नहीं नहीं नहीं, हमें पसंद ना हो या ना हो, वो हरि नाम ले रहा है, भगवान को बहुत प्रिय है, तो हमें क्या करनी है, उसकी सेवा करनी है। सेवा करने का अर्थ है हमेशा उसका गुणगान करें, उसका उत्साह बढ़ाएं, उसकी बेफजूल उसकी निंदा ना करें, उसको क्रिटिसाइज ना करें, उसकी मदद करने का प्रयास करें, उसको उत्साहित करें, ठीक है ना। हम में से हर में बहुत सी कमजोरियां हैं, कमजोरियां हैं कि नहीं है, कोई कह सकता है यहाँ पे उसमें कोई दोष नहीं है, सब दोषों से भरे हैं, लेकिन हम दोषों को ना देखकर उनके गुणों को देखें और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं आगे। तो कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं, नामे रुचि दया वैष्णव से, ये है हमारा धर्म। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला ये हमारा धर्म है, तो इस ढंग से हम प्रचार करेंगे। और प्रचार मासिस को भी होता है और क्लासेस को भी होता है ना, मासिस एंड क्लासेस। मासिस का मतलब है खूब रथ यात्रा निकाली, खूब संकीर्तन निकाला, सबको किया। और क्लासेस का मतलब है आपने किसी कॉलेज में गए, जो पढ़े और लोग हैं, फोकस्ड होकर प्रचार किया, किसी कोचिंग सेंटर में गए, है ना, उसको कुछ पकड़े, अलग क्लास के लोगों को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप में से कितने लोग सीए परस्यू कर रहे हैं, है ना, जो सीए परस्यू कर रहे हैं, जो सीए और लोग स्टूडेंट्स हैं उनको पकड़ लिया, कितने लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, करेंगे तो इंजीनियर्स को अलग से पकड़ लिया, कितने लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के, और कितने लोग मेड डॉक्टर्स की कर रहे हैं, कितने लोग एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए हो गई, तो एक क्लासेस, एक क्लास को पकड़ के उसमें फोकस किया, ये क्लास है और एक है मास। और प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रचार कैसे होगा, तीन तरीके से, एजुकेशन, डिवोशन एंड कल्चर। कैसे कैसे है? एजुकेशन कैसे हुआ, आप जाके फिलॉसफी सिखाइए किसी को, ये हुआ एजुकेशन, सेमिनार्स लेना, है ना। डिवोशन क्या हुआ, अपने डिवोशन, हरिनाम कराया, उनको पुस्तक वितरण किया, ये डिवोशन अपना दिखाया अपना। और फिर कल्चर, कल्चर कैसे, कल्चर क्या मतलब होता है, आचरण, जीवन शैली, है ना। आप मंदिर में आते हैं, प्रयास किया कीजिए कैसे धोती कुर्ता में आए, है ना, तिलक लगाएं सुंदर, तो लोग देखेंगे यार ये क्या है, तिलक लगाने से हमारी सुंदरता बढ़ती है कम होती है, तिलक लगाते हैं तो भगवान के सामने जाते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ओके। धोती कुर्ता कैसा लगता है आपको डाल के,
हाँ, में से कितने लोगों ने अब तक धोती कुर्ता कभी नहीं डाला? कौन मैंने से पहले नहीं डाला? अभी नहीं, अभी कह रहा हूँ, अभी तक नहीं डाला। अगले कैंप में हम रखेंगे कि हर कोई धोती कुर्ता डाल के आएगा। इसमें भी ऐसे, इसमें भी था, मैं तो देख रहा हूँ कई लोग डाल के नहीं आए। किसके साथ ही एक्सीडेंट हुआ और किनके साथ हुआ ये एक्सीडेंट? तीनों के साथ एक्सीडेंट हुआ। ओके, बाकी सब धोती डाल के आए। सुबह हमने भी डाली थी, अभी अभी लेक्चर के पहले। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तीनों ही आगे बैठे हो। ओके ओके, वेरी गुड। ये कल्चर है। ओके, कल्चर में हम एक दूसरे को क्या पुकारते हैं? प्रभु जी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रभु जी? रिस्पेक्ट। आप मेरे स्वामी, मैं आपका दास हूँ। तो ये कल्चर है ना, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम प्रसाद को ऑनर करते हैं, है ना, कैसे हम सफाई रखते हैं। तो ये कल्चर है, हमारी बोलचाल का तरीका। इससे लोग प्रभावित हो जाना चाहिए। जब बाहर आप स्कूल कॉलेजेस में जाएं तो आपके आचरण को देखकर लोग प्रभावित हो जाएं कि इतने सिविलाइज, इतने संस्कृत कैसे आप हैं। ओके राइट, तो जीवन का सार है प्रचार। तो हमने, अगर हम समअप करें, हमने चर्चा की कि प्रचार कितना आवश्यक है। क्यों करना चाहिए प्रचार? सेल्फ डिफेंस भी है और सार है और अपने आप को भी इम्प्रूव करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम अलाइव हैं, दूसरों को चांस देंगे, परोपकार करेंगे, गुरु परंपरा प्रसन्न होगी। हाँ, एक्सटिंक्शन, रेयर स्पीसीज बन जाएंगे, है ना, और धर्म की स्थापना होगी, राइट, और भगवान प्रसन्न होंगे, राइट। और प्रचार करने के हमने तीन धर्म बताए, क्या क्या? नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। खुद को प्रचार करना, जो भक्त ऑलरेडी हैं उनको प्रचार करना, और जो नए लोग हैं उनको जोड़ना। और तीन तरीके बताए, कौन कौन से? एजुकेशन, डिवोशन एंड कल्चर। ओके, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है?